बराबर कटे। Hi guys, welcome to the channel. My name is Prince and you are watching Canada Cocktail. I hope आप सब अपनी best of health में हो। काफ़ी दिनों बाद आज मैंने वीडियो डाला है। आज मैंने वीडियो बनाने की सोची है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि YouTube is not my profession and I do have 9 to 5 kind of job, but it's not 9 to 5. You know IT, how IT industry and banking industry works. So it's always more than that. मोर देन 2 months आई गेस। सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्यों ना आप लोगों से बात करी जाए। तो आज का वीडियो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है, जो कि आई एम श्योर अगर आप कैनेडा में नए आए हैं तो आप भी मेरी ही सिचुएशन में रहे होंगे, जिस सिचुएशन में मैं था आज से 2 साल पहले। तो आज के वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ टू सेव टैक्स इन कैनेडा। तो पहली चीज़ कि कनाडा में आप एज अ सैलरीड एम्प्लॉयड आप टैक्स कहाँ कहाँ सेव कर सकते हैं और कैसे सेव कर सकते हैं। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो करती है वो 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करती है। फर्स्ट वन इज़ RRSP एंड द सेकेंड वन इज़ TFSA। इस वीडियो में आई विल टॉक अबाउट RRSP। TFSA के लिए आई विल मेक अनदर वीडियो। अगर हाई लेवल पे एक आपको मैं डिफरेंस बता दूं RRSP और TFSA में, सिंपल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है, तो RRSP आपका टैक्स डिडक्टेबल होता है। इट मींस आप जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पोर्शन आपकी सैलरी से डिडक्ट हो जाता है, आपको उस पोर्शन पे टैक्स बिल्कुल पे नहीं करना है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड TFSA में इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स सेविंग एवेन्यू। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो नेट इनकम है, मींस जो आपकी आफ्टर टैक्स इनकम है, उसमें से जो भी पोर्शन आप TFSA में इन्वेस्ट करते हैं एंड उस इन्वेस्टमेंट से आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो रिटर्न आपका टैक्स फ्री होता है। तो चलिए बात करते हैं RRSP पे। तो पहले बात करते हैं ये RRSP होता क्या है। सो RRSP स्टैंड्स फॉर रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। कैनेडियन रेवेन्यू एजेंसी CRA आपको ये परमिशन देती है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड जो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इसका क्या ये मतलब होता है कि हम जितना चाहें, जितनी मर्जी चाहें, हम उतना उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जी ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। सो इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, इसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। नॉट एवरीवन कैन इन्वेस्ट इन RRSP, और आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है। तो उसके बारे में ही बात करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है। Everyone is eligible to invest in RRSP. If you have some income, then you are eligible to invest in RRSP. अब बात ये आती है कि जब आप as a first time आप new immigrant Canada में हैं and आपने अभी तक भी अपना कोई return file नहीं किया है, then you cannot invest in. उसका reason ये है कि RRSP की एक limit होती है that only certain portion of your income you can invest. तो यहाँ पे न्यू इमिग्रेंट आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप अपना फर्स्ट टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करोगे CRA आपका असेसमेंट नहीं करेगी। सो CRA डजंट नो हाउ मच यू आर मेकिंग। तो इसीलिए आपको फर्स्ट रिटर्न फाइल करना है एंड जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, जब आपका असेसमेंट हो जाएगा, तो उस असेसमेंट में CRA will let you know that how much you are allowed to invest in RRSP from next year. उसका जो एक generic formula होता है, एक जो generic rule है जो CRA बोलता है, that is 18% of your gross income. So that is the reason why you cannot invest in RRSP in your first year. चलिए ये तो बात हुई कि RRSP में कौन invest कर सकता है and कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं RRSP के मल्टीपल बेनिफिट्स। तो जो पहला बेनिफिट है वो जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे
मेजर फैक्टर है RRSP में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जस्ट इमेजिन आपकी अगर ग्रॉस इनकम इज से अराउंड 100,000 डॉलर, तो ऑलमोस्ट यू विल बी पेइंग टैक्स समवेयर अराउंड क्लोज टू 30,000 to 35,000, समवेयर अराउंड दैट फिगर. जी हाँ, कैनेडा में टैक्स काफ़ी ज़्यादा हाई. CRA इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी कि ओके बॉस, आउट ऑफ 100,000 यू आर अलाउड टू इन्वेस्ट 18,000 इन RRSP. तो आप अगर वो 18,000 अपनी सैलरी से निकाल के RRSP में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगी दैट विल बी 82,000, क्योंकि उसमें से 18,000 निकल गया. तो नाउ यू विल बी पेइंग टैक्स ओनली ऑन 82,000. अब बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की. दूसरा बेनिफिट, जो भी आपकी RRSP में इनकम हो रही है, आपने जिस भी एवेन्यू में इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको बेनिफिट हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा अर्निंग और इनकम हो रही है, वो इनकम भी टैक्स फ्री है. तो उसका जो कैच है वो ये कि वो तब तक टैक्स फ्री है जब तक आप उसको विदड्रॉ नहीं कर रहे. तो थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक है, बट तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको कंपाउंडिंग मिल रही है आपके इंटरेस्ट पे और आपके अर्निंग पे और प्रॉफिट पे. आपको और प्रॉफिट अर्न कर रहे हो टिल द टाइम यू आर नॉट विदड्रॉइंग, बिकॉज अल्टीमेटली RRSP का जो एंड गोल है, जो मोटिव है, वो तो यही है ना कि आपके रिटायरमेंट में यू नीड मनी, यू आर सेविंग इट फॉर योर रिटायरमेंट. तो जब आप रिटायर होगे, देन यू विल बी इन, ऑब्वियसली यू विल बी इन अ डिफरेंट सैलरी ब्रैकेट. आपकी इनकम जीरो हो चुकी है. आप उस टाइम पे जिस इनकम स्लैब और इनकम ब्रैकेट में फॉल करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लगेगा. फिर हम एक और बेनिफिट की बात करें, तो वो भी आपके रिटायरमेंट से रिलेटेड है, कि आप आफ्टर योर रिटायरमेंट यू हैव एन ऑप्शन जिसमें आप जो भी आपकी RRSP की सेविंग थी उसको आप एन्यूटी में कन्वर्ट करके आप रेगुलर पेमेंट में ट्रांसफ़र कर लो. सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ऑफ विड्रॉइंग एवरीथिंग इन वन शॉट, यू हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्ट इट इनटू ईयरली पेमेंट. तो ऑब्वियसली आपका टैक्स ब्रैकेट भी कम रहेगा. तो जो फोर्थ बेनिफिट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बेनिफिट है. अगर आप कैनेडा में अपना घर खरीदने का, फर्स्ट होम बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आई वुड डेफिनेटली एडवाइज यू टू इन्वेस्ट इन RRSP अकाउंट. एंड उस घर के लिए यू नीड सम डाउन पेमेंट, जो कि यहाँ पे आपको देनी पड़ती है समवेयर अराउंड 5% to 20%. तो अकॉर्डिंगली यू कैन विदड्रॉ अप टू 35,000 फ्रॉम योर RRSP अकाउंट. यू हैव टू रीपे द मनी, बट उसका भी कुछ काफ़ी टाइमलाइन होता है. लाइक यू, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक अराउंड विद इन 15 years यू हैव टू रीपे, और या यू हैव टू रीपे दैट मनी बैक इन टू द अकाउंट. अब उस पर आपको फिर कोई पेनल्टी नहीं लगती है. बड़ा बेनिफिट है अगर आप इसको मैथमेटिकली अगर आप कंसिडर करें, तो ये जो 18,000 था इसमें आपने ऑलमोस्ट अराउंड 30% to 35% टैक्स सेव कर लिया. तो अगर मैं मिनिमम साइड पे लेके चलता हूँ 30%, तो क्लोज टू 6,000 to 6,000 उसके बीच में आपने टैक्स सेविंग कर ली, राइट? यू डिडंट हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो इवेंचुअली आपका नेट नेट जो प्रॉफिट हुआ विद दिस इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 24,000. तो ऐसे ही आप विद इन 1.5 year आप अप टू 35,000 जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है RRSP में, यू कैन बोरो इट आउट. एंड इफ यू बोथ एज अ कपल, इफ यू बोथ आर वर्किंग, देन आपने अपने इंडिविजुअल अगर RRSP अकाउंट में पैसे रखे हैं, देन यू बोथ कैन विदड्रॉ 35 each. इसमें RRSP में एक और चीज़ होती है, स्पाउजल RRSP, जो अपनी RRSP की लिमिट है. आप उस लिमिट का कॉन्ट्रीब्यूशन आप अपने स्पाउस के नाम पर कर रहे हो, ठीक है? वो अकाउंट आप एक ओपन करोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पाउजल RRSP अकाउंट. बट वो अकाउंट आपकी स्पाउस ओन नहीं करते हैं, वो अकाउंट आप ही ओन करते हो, आप उनके नाम पे ओपन कर सकते हो. एंड गुड थिंग इज कि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आपकी लिमिट थी, मान लो 18,000 आपकी लिमिट थी, तो आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन
आप अपने स्पाउस के स्पाउजल आरएसपी में कर सकते हो। उसका फ़ायदा जो है वो ये कि अगर आपकी स्पाउस मान लीजिए लोअर सैलरी ब्रैकेट में है या फिर वो होम मेकर है और लाइक विदाउट एनी इनकम, तो विथ स्पाउजल आरआरएसपी जो बेस्ट एडवांटेज है वो ये कि आफ्टर 3 ईयर्स अगर आपकी स्पाउस उसमें से पैसा विड्रॉ करते हैं तो वो विड्रॉल उनकी सैलरी में ऐड होगा, उनकी इनकम में काउंट होगा, वो आपके इनकम में काउंट नहीं होगा। तो अब मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस पे कि मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट किया। तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, फर्स्ट ईयर तो मैंने इन्वेस्ट किया नहीं, जैसे मैंने बताया आपको कि यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट। सेकेंड ईयर व्हेन आई केम टू नो कि ओके दिस इज़ माय लिमिट, देन आल्सो आई थॉट कि यार ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, ज़्यादा चीज़ें पता थी नहीं कि क्या होता है, कैसे होता है, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड फिर ये था कि यार जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट चल रहा है उधर ही कंटिन्यू करते हैं। फिर देन आफ्टर डूइंग फर्दर रिसर्च, आफ्टर स्टडिंग सम मोर टॉपिक, सम मोर आर्टिकल्स, देन आई थॉट यार नहीं, आई थिंक आरआरएसपी विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, विल बी अ गुड थिंग टू डू। जो मुझे उस पर रिटर्न मिला, और उस पर भी पहली चीज़ की मतलब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया मुझे ये भी नहीं पता था कि मतलब किस इंस्टीट्यूशन के साथ मुझे आरआरएसपी खोलना चाहिए, फिर आरआरएसपी खोलने के बाद उसके अंदर इन्वेस्ट करने के कितने एवेन्यूज़ होते हैं, उसका भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो आई सिंपली वेंट विथ व्हाट माय कंपनी वाज ऑफरिंग। तो हमारी कंपनी का टाई अप मैनुलाइफ के साथ है एंड दैट्स वेयर आई गॉट माय आरआरएसपी अकाउंट ओपन्ड एंड माय स्पाउजल आरआरएसपी अकाउंट आल्सो। देन मैंने जो उसमें इन्वेस्ट किया उसमें यू हैव मल्टीपल एवेन्यूज़ टू इन्वेस्ट, यू कैन इन्वेस्ट इन ETF funds, यू कैन इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड, यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ऑल्सो आई गेस, बट मुझे स्टॉक्स में आई वॉज नॉट अलाउड डू स्टॉक ट्रेडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, सो आई एम अलाउड टू इन्वेस्ट इन फंड्स ऑनली। तो मैंने US का लार्ज इक्विटी का फंड सेलेक्ट किया एंड जो मुझे उसमें रिटर्न मिला है इन अ ईयर, I'll show you, that's not a joke, that is 33.4% if I'm not wrong. तो ये मुझे एक साल का रिटर्न मिला है जो कि मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है अगर देखा जाए तो। तो ऑल इन ऑल आई वुड से गो फॉर इट गाइज, थोड़ा अगर डाउट है तो आर्टिकल पढ़िए, कुछ और लगे तो ड्रॉप मी अ मैसेज, अगर मुझे पता रहेगा तो आई ट्राई टू क्लैरिफाई योर क्वेरी, आई ट्राई टू आंसर द क्वेरी। बट डेफिनेटली यार आई वुड सजेस्ट कि ये अगर आप कैनेडा में हो एंड अगर इंडिया भेजने से अच्छा आई वुड से कि इन्वेस्ट इन आरआरएसपी। तो एक और सवाल आता है कि ये आरआरएसपी अकाउंट ओपन कहाँ करना है, और आप क्या कितने भी आरआरएसपी अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो आप पहले सवाल का जवाब कहाँ ओपन करना है, यू कैन ओपन दिस आरआरएसपी अकाउंट विथ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक भी आपको ऑफर करेगा आरआरएसपी अकाउंट। अगर आपको बैंक में ओपन नहीं करना है देन आप वेल्थ सिंपल में ओपन कर सकते हो, आप इक्यू बैंक में ओपन कर सकते हो, आप क्वेस्ट ट्रेड में ओपन कर सकते हो। तो आपके पास मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं, आप कहीं भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ आप ओपन कर सकते हो। आपको जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो कि वो इंस्टीट्यूशन किस किस फंड्स में या फिर आपको उस आरआरएसपी अकाउंट से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी या फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो वो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। दूसरा, आप कितने भी आरआरएसपी अकाउंट ओपन कर सकते हो, आप हर इंस्टीट्यूशन के साथ एक आरआरएसपी अकाउंट ओपन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू दैट। लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप की जो लिमिट है आप उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूट ना करें। तो अगर आपने उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर दिया तो देन यू हैव
आई थिंक टू ऑप्शन. फर्स्ट, यू विदड्रॉ दैट एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपको पेनल्टी नहीं लगेगी, या फिर आपका आपको अपने CA से बात करनी होगी एंड आपका CA उसको नेक्स्ट ईयर के कॉन्ट्रीब्यूशन में एडजस्ट कर देगा. तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का असेसमेंट होना है RRSP का, जो नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेशन होना है, उसकी लिमिट आपकी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज आपने एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन इस साल ही कर दिया. तो यार यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके जाओ. वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कोई भी सवाल हो तो पूछो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई. एंड डू सपोर्ट द चैनल गाइज, वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड योर लव. And we'll see you soon. Till the time, take care, stay safe, stay healthy. Cheers, guys. Bye. So, guys, India ki public pareshan hai ki lockdown kyun nahi laga rahe ho? Aur yahan Canada ki public pareshan hai ki lockdown kyun laga rahe ho? Ye dekho, yahan pe protests chalu hai. I guess koi bhi kahin khush nahi hai. जिसको lockdown लग रहा है वो lockdown से परेशान है, जिसको lockdown नहीं लग रहा है वो इससे परेशान है कि भाई lockdown क्यों नहीं लगा रहे हो. खैर, बुरा ही हाल है दोनों तरफ. अपनी सेफ्टी अपने ही हाथ में है, कितनी सावधानी हम खुद बरतें उतना ज़्यादा अच्छा है.